आप देख रहे हैं रमजान ट्रांसमिशन, पाक है रमजान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि लोगों को खैर की तालीम देने वालों पर अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके फरिश्ते आसमानों और जमीन वाले, यहां तक के चूंटी अपने बिल में और यहां तक के मछली समंदर में इनके लिए रहमत की दुआ करती है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात कही है। इस बारे में बुशरा आप क्या कहेंगी? मैं मिसबा बिल्कुल सही बात है, इस्लाम की तालीम, लोगों को अच्छी बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, गैरों को छोटी छोटी बातें, हम तो इतना आजकल रोज़ा होता है तो ट्रैफिक में लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, तो अगर हम रुक के सामने वाले को उसकी गलती प्यार से, तमीज़ से बताएं तो लड़ाई भी नहीं होगी, वो सामने वाला अच्छी तरह भी समझेगा, मसला भी हल हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हुआ है हमारे एक और प्रोग्राम का टाइम जिसका नाम है इस्लाहे माशरा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى। फ़िज़ान ग्रामी नाज़रीन मोहतरम, माह मुबारक में, माह सयाम मुबारक में आज जिस गुफ्तगू, जिस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हम हाज़िर हुए हैं और जिस शख्सियत पर हमने गुफ्तगू करनी है, वो शख्सियत आलम इस्लाम की वो अजीम हस्ती है कि जिसको मोहसिनाए इस्लाम भी कहते हैं, जिसको ज़ौजाए रसूल भी कहते हैं, जिसको मादर गिरामी जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी कहते हैं, जिसको उम्मुल आइमा भी कहते हैं, यानी हमारी मुराद हज़रत जनाब ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये ज़ात गिरामी कौन है, ये शख्सियत कौन है? कायनात में जो मर्तबा और जो मकाम अल्लाह ने इस बीबी को अता किया है बाद जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो कायनात में किसी और बीबी को अता नहीं किया। कौन है ये बीबी? रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजाए मोहतरम जनाब खदीजा, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला अक़्द किया है वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से किया है। इस ज़ात गिरामी की बुलंदी, इसकी अजमत के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब तक ये ज़ौजाए मोहतरम, ये उम्मुल मोमिनीन ज़िंदा रहीं, बाकायदे हयात रहीं, उस वक्त तक रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अक़्दे सानी नहीं किया। इनकी अजमत के लिए एक मिसाल काफ़ी है, ये कलामत काफ़ी है कि जब तक ये बीवी बकायद हयात रहीं, रसूल खुदा ने दूसरी शादी नहीं की। रसूल खुदा और इनका साथ पूरे 25 साल का साथ था, 25 साल तक रसूल खुदा की ज़ौजियत में ये बीवी रही। इस बीवी का तारुफ़ तारीख़ अरब में कमो बेश 9,500 साल की तारीख़ अरब की, इस तकरीबन 9,000 साल की तारीख़ अरब में बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरीं। मर्दों में तो बहुत सों को शहंशाह भी कहा गया, बादशाह भी कहा गया, बड़ी बड़े मर्दों में तो हुकूमतें बड़ी बड़ी नज़र आईं हमें, लेकिन तारीख़ अरब गवाह है, 9,000 साल की कमोबेश ये तारीख़ अरब गवाह है
कि जो लकब इस बीबी को मिला ये लकब माँ सिवाय जनाब खदीजा अल-कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के किसी बीबी को ये लकब नहीं मिला। और वो लकब क्या था? मलिकतुल अरब, क्वीन ऑफ मक्का। मलिकतुल अरब, क्वीन ऑफ मक्का, ये लकब किसी को नहीं मिला। अरब की मलका कोई बीबी ना कहलाई पूरी तारीख़ आलम इंसानियत में, जो तारीख़ अरब है उससे लेकर अब तक किसी बीबी को। मर्दों में तो लकब मिले जैसे मैंने अर्ज़ किया, लेकिन ख़वातीन में, औरतों में ये लकब किसी को नहीं मिला जो लकब जनाब खदीजा अल-कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को अता हुआ। जिस बीबी का लकब मोहसिना इस्लाम, यानी इस्लाम की मोहसिन, यानी जिसके एहसानात हैं इस्लाम पर, ज़ात रसूल पर जिसके एहसानात हैं, ख़ानदान अहले बैत पर जिसके एहसानात हैं, इस्लाम पर जिसके एहसानात हैं, मोहसिना इस्लाम, ये लकब अता किया। रसूल खुदा ने ये लकब अता किया है, किसी और ने अता नहीं किया है। कौन रसूल के? जिसके लिए कहा जाता है कि यह मेरा हबीब रसूल खुदा, नबी की ज़ात वो है कि जो सिवाए हुक्म इलाही के सिवा कोई गुफ्तगू करते ही नहीं। ममा यंतकौनिल हवा, जो सिवाए वही के सिवा कोई गुफ्तगू नहीं करते। इसका मतलब जब रसूल खुदा मोहसिना इस्लाम का लकब दे रहे हैं तो गोया ज़बान तो रसूल की है मगर अल्फाज खुदा के हैं, यानी खुदा कह रहा है कि खदीजा मोहसिना इस्लाम है। इस बीबी के कितने एहसानात हैं, इस बीबी का करम क्या है, क्या लुत्फ़ है। तारीख़ बताती है कि इतनी दौलत थी कि इस दौलत का अंदाज़ा नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री में, तारीख़ इंसानियत में इतनी मालदार कोई औरत नहीं गुजरी। अलामत के तौर पे फ़कत हम एक ही मिसाल दे सकते हैं कि कमो बेश 80,000, बास रवायत 90,000 भी लिखती हैं, लेकिन मुसद्दका जो तारीख़ है, जो निगाहों से गुजरी है, जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, अक्सर मुत्तफ़िक़ इस बात पर कि 80,000 ऊँट थे इनके पास। 80,000 ऊँट होने का मतलब क्या है? यानी गोया ऊँट को उस ज़माने में रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता था, रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। जितनी भी तिजारत होती थी, माल बर्दारी होती थी, इन्हीं ऊँटों के ज़रिए से होती थी। मक्के में और अरब में रहने वाले मुख्तलिफ तुजार के पास, मुख्तलिफ ताजरों के पास ऊँट थे। किसी के पास 100 थे, 200 थे, 300 थे, 400 थे, 1,000 थे, मगर इतनी बड़ी तादाद में किसी के पास भी ऊँट नहीं थे। और उन ऊँटों पर होता क्या था? तारीख़ गवाह है इस बात की कि उन 80,000 ऊँटों पर सोने और चांदी लद कर जाते थे, और जो शाम और यमन के बाज़ार में बिका करते थे। अब जब 80,000 ऊँटों पर किराए पर भी देती थी बीवी, और अपनी तजारत भी होती थी। अब ज़रा सोचिए कि जिन ऊँटों पर, जिस बीबी के पास इतने ऊँट हों, जिसके पास इतनी दौलत हो कि सोने और चांदी के से लद कर ऊँट जा रहे हों, खालिस रेशम से लद कर ऊँट जा रहे हों, तो 80,000 ऊँटों पर जो सामान लद कर जा रहा है तो क्या फ़कत वही सामान ना था? नहीं, उसूल तिजारत यही होता है ना कि जो सामान भेजा जाता है उतना ही सामान कम अज़ कम स्टॉक में मौजूद होता है, तभी तो तिजारत होती है। तो याद रखिए कि इतनी बड़ी तादाद में माल व अज़बाब जिस बीबी के पास मौजूद था, मगर ज़रा सोचिए कि जब अक़्द रसूल में आ गई, निकाह रसूल में आ गई, तो जिस बीबी के पास इतनी दौलत के अंबार थे, जिसके घर में सोने और चांदी की प्लेटों में खाना खाया जाता हो, जिस बीबी के घर में जो पर्दे डले होते थे उन पर्दों की डोरियाँ जिस चांदी की हों, जिसके घर में खाने वाले चमचे सोने और चांदी के मौजूद हों, ज़रा देखिए तो सही, तारीख़ को ज़रा उठाकर देखिए कि जब अक़्द रसूल में ये बीबी आ गई, तो अक़्द रसूल में आने के बाद चंद सालों बाद क्या देखा कि ये बीबी शेवे अबी तालिब में भूख के आलम में वक्त गुजार रही है। ये और उसकी बेटी किस आलम में है कि दरख्तों के, या तारीख़ कहते हैं जब शेब अबी तालिब ने, जब अरब ने इनका बायकाट किया था, उस वक्त शेब अबी तालिब में रहते हुए जब ग़िज़ा ख़त्म हो गई थी तो दरख्त के पत्ते पीस पीस कर ग़िज़ा बनाई जाती थी। जिसके पास इतनी दौलत हो वो दौलत कहाँ गई?
यह ईसा और जनाब खदर कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि जब इस्लाम को दौलत की ज़रूरत पेश आई तो बढ़कर अपनी सारी दौलत कदमों में रसूल खुदा के कदमों में रख दी कि ऐ हबीब खुदा ये दौलत सारी हाजिर है खुदा के लिए, खुदा के दीन के लिए, खदीजा के पास जो कुछ मौजूद है सब हाजिर है। तारीख़ ये बताती है कि जैसा रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत किया है तो जनाब खदीजा ने अपने चचा वरका बिन नौफल से कहा था कि मक्के में रहने वाले लोगों से कह दो कि जिनके पास जो घर में बर्तन हैं वो लेकर मौजूद आ जाएं बाहर। अब किसी को नहीं पता था कि वो बर्तन क्यों मंगाया जा रहा है। जब लोग बर्तन लेकर पहुंच गए, बीबी ने कहा जनाब अपने चचा से वरका नौफल से कि जितनी मेरी दौलत है उसके ढेर लगा दो। और फिर सबको पुकार कर कहा था कि जो जितना बड़ा बर्तन लेकर आया है वो इस बर्तन में दौलत को भर कर ले जाए। लोगों ने पूछा था कि ए मलका अरब, ए बीबी ये बताइए कि इसके बदले आप हमसे चाहती क्या है। कहा कि कुछ भी नहीं, मोहम्मद का कलमा और मोहम्मद के अरब का कलमा पढ़ लो और कोई उजरत नहीं चाहती। फिर बीबी ने ऐलान किया था कि ए अहले मक्का याद रखो जो मेरा मकरूज है, ये कर्ज़ भी दिया करती थी और बिला सूद कर्ज़ा दिया करती थी, जो मेरा मकरूज है मैं अपना सारा कर्ज़ माफ़ करती हूँ और अगर तुम किसी और के मकरूज हो तो उसका कर्ज़ भी मैं अपने पास अदा करने के लिए तैयार हूँ। पूछा था कि बीबी इसके बदले चाहती क्या है। कहा कि कुछ भी नहीं, मोहम्मद का और मोहम्मद के और तौहीद का और अल्लाह का कलमा पढ़ लो और मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ, कोई तलब नहीं है। ऐसा ईसार, ऐसी कुर्बानी। और याद रखिए कि एहसान, अजीम तरीन एहसान इस बीबी का क्या है। तारीख गवाह है, तारीख कहती है ना कि रसूल खुदा की उम्र मुबारक में और जनाब खदीजा की उम्र मुबारक में फ़र्क था ना। कोई तारीख 3 साल कहती है, कोई तारीख 15 साल कहती है। अगर 15 साल की तारीख को लिया जाए तब भी और 3 साल की तारीख को लिया जाए तब भी उम्र का फ़र्क तो ज़रूर था। ये एहसान है इस बीबी का कि इस बीबी ने क़यामत तक के लिए ख़त्मी मर्तबत को, रसूल खुदा को उस बात से महफूज कर दिया कि आने वाली तारीख ये कहती कि अपने से बड़ी उम्र की बीवी के साथ, अपने से बड़ी उम्र की औरत के साथ फ़कत और फ़कत उसकी दौलत की लालच में तो कोई अक़्द नहीं कर लिया था, चाहती थी। ये एहसान अजीम है कि रसूल खुदा ने पेशकश नहीं की थी, पैगाम रसूल खुदा ने नहीं भेजा था, बल्कि जनाब खदीजा ने खुद पैगाम में अक़द भिजवाया था कि मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से मैं अक़द करना चाहती हूँ। पेशकश वहाँ से आई थी, रसूल खुदा ने फ़कत कबूल किया था। ये एहसान है कि क़यामत तक के लिए, ये एहसान है कि रसूल खुदा को इस ताने से महफूज कर दिया रसूल खुदा को जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने। और ये अमल जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का परवरदिगार आलम को इतना पसंद आया कि अमल जनाब खदीजा ने किया, अल्लाह ने सुन्नत बनाकर दीन में क़यामत तक ले दाखिल कर दिया। किस अंदाज दाखिल किया है कि आज भी जब कभी भी हमारे यहाँ कोई अक़्द होता है तो पेशकश हमेशा औरत की तरफ से होती है, मर्द की तरफ से सिर्फ और सिर्फ कबूल किया जा रहा होता है। पेशकश औरत करती है, ईजाब और कबूल मर्द की तरफ कबूल होता है, ईजाब औरत की तरफ से हो रहा होता है। ये वो अमल है जनाब खदीजा का, वो सुन्नत अमल है कि जिसको अल्लाह ने सुन्नत बनाकर दीन का हिस्सा बना दिया। यहाँ पे एक थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं।